नमस्कार प्यारे बच्चों मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा सात की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर नो करेंगे जिसकी तिथि है तेईस अक्टूबर 2020 बच्चों ये तो आपको पता ही है छात्र का नाम यानी कि आपका नाम ठीक है अध्यापक या अध्यापिका का नाम यानी कि आपके टीचर का नाम अगर सब्जेक्ट टीचर का बोला है सब्जेक्ट टीचर साइंस टीचर का और अगर क्लास टीचर का तो आपको पता ही है आपकी क्लास टीचर कौन है तो दोनों में से आप किसी को भी भर लेना जो भी आपको बताया गया है स्कूल में चलिए आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा ठीक है देखते हैं जो आपका कार्यपत्रक है ये बता रहा है हमारे वायुमंडल में सेवेंटी एट परसेंट है ना जो सौ परसेंट होता है उसका अठहत्तर परसेंट हिस्सा किसने ले रखा है नाइट्रोजन नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है नाइट्रोजन प्रोटीन क्लोरोफिल न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों यौगिकों का अहम मुख्य अवयव है पौधे व जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते पौधे को नाइट्रोजन स्त्रीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है समझे जो नाइट्रोजन होती है इसमें जो मुख्य से क्या मिलता है हमें इसके प्रोटीन क्लोरोफिल न्यूक्लिकम और विटामिन ठीक है और पौधे और जंतु को सीधा नहीं मिलता वायुमंडलीय नाइट्रोजन तो क्या करते हैं पौधों का नाइट्रोजन होता है स्त्रीकरण स्त्रीकरण क्रिया के द्वारा होता है इनको कैसे मिलता है पौधों को नाइट्रोजन मिलता है स्त्रीकरण क्रिया के द्वारा अब स्त्रीकरण क्रिया क्या है चलिए ये पढ़ते हैं नाइट्रोजन स्त्रीकरण होता है वायुमंडल नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना जो वायुमंडल नाइट्रोजन है उसको यौगिकों में बदल देते हैं जिन्हें पौधे आसानी से ले लेते हैं जब वो यौगिक में बदल जाती है तो पौधों को आसानी होती है उनको लेने में इस क्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन ठीक है? फलीदार पौधे वर्ग के फली, फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजेबियम नामक जीवाणु पाया जाता है कौन सा राइजोबियम ठीक है फलीदार जो पौधे होते हैं जैसे मटर के पौधे इस तरह में क्या पाया जाता है राइजोबियम नामक पौधा जो नाइट्रोजन तो के स्थिरीकरण में स्थिरीकरण में सहायता करता है और ये नाइट्रोजन तो का स्थिरीकरण करने में सहायता करता है उसको यौगिकों में बांटने में कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन तो का स्थिरीकरण होता है ठीक है बिजली के कड़कने पर भी हो जाता है कभी कभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर होती है है ना कैसे स्थिर होती है देखो ये है नाइट्रोजन चक्र आपका ये देखो स्क्रीन पे ऊपर कर देती हूं ये नाइट्रोजन चक्र है ठीक है मिट्टी में उपस्थित जीवाणु नीले हरे सहवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं जो जीवाणु होते हैं और नीले हरे सहवाल होते हैं ना जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है उसको यौगिक में बदल देते हैं यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं और फिर जब वो बदल देते हैं तो क्या होता है मिट्टी में चले जाते हैं पौधे की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भाग तक चले जाते हैं फिर जो जड़ें होती हैं जड़ों से जैसे ये पौधा है सपोज है ना ये पौधा है ऐसे तो ये पौधा है इसकी ये ब्रांचेज हैं तो वो पौधों से जाके इसके अन्य भागों में भी चले जाते हैं फिर क्या होता है उनसे प्रोटीन में अन्य यौगिक बनते हैं ठीक है जो भी जंतु इन पौधों को खाता है तो वह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन और अन्य यौगिकों के रूप में उन तक पहुंच जाती है तो जो भी जंतु होता है इन पौधों को खाता है उसको सबको मिलती है क्या मिलता है नाइट्रोजन भी मिलते हैं पादप प्रोटीन और ये सब कुछ उन तक चला जाता है पौधे और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं और कवक होते हैं इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं है ना जब जीव जंतुओं की पौधों की और जंतुओं की मृत्यु होती है जो मिट्टी में रह जाते हैं जीवाणु और कवक उनके जो नाइट्र नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं उनको फिर नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं जो पौधे द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं तो जब पौधा कोई आता है तो वो जो मिट्टी में मिले होते हैं फिर वो पौधे के निर्माण में सहायक होते हैं कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं कुछ अल, कुछ दूसरे जीवाणु होते हैं जो विशेष होते हैं वो क्या करते हैं जो नाइट्रोजन यौगिक होते हैं उनको नाइट्रोजन की गैस में बदल देते हैं और जो वायुमंडल में चली जाती है इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसी होती है लगभग स्थिर होती है देखिए ये पूरा चक्र है आप वर्कशीट को बढ़ा करके बच्चों इसको पढ़ लेना ठीक है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा आपको पता चल जाएगा कैसे क्या होता है ठीक है चलिए अब देख लेते हैं इसके जो प्रश्न उत्तर करने को दिए हैं सबसे पहला है सेम और मटर की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो फलीदार पौधे होते हैं तो अभी तो हमने पढ़ा सेम और मटर की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है तो पहले प्रश्न का उत्तर आप ये लिख देंगे दूसरा प्रश्न है नाइट्रोजन का स्त्रीकरण किन किन विधियों द्वारा हो, होता है तो आपको लिख देना है दो विधि द्वारा होता है एक तो प्राकृतिक विधि होती है ल्यूमिनस के पौधों की गांठों में जड़ें उपस्थित होती हैं दूसरा होता है विद्युत उत्सर्जन यानी विसर्जन जब बिजली चमकती है जब वर्षा ऋतु या अन्य दिनों में विद्युत उत्सर, विसर्जन की क्रिया होने पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन व ऑक्सीजन परस्पर सहयोग कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं तो दूसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा ये आपको जो पिंक पिंक दिख रहा है ठीक है चलिए तीसरा प्रश्न पूछा है सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यकता है आवश्यक है क्यों जरूरी है तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे हमारा वातावरण में लगभग सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन से बना हुआ है यह हमारे शरीर में अमीनो एसिड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो बदले में प्रोटीन बनाते हैं और यहाँ पे ये जो डॉट लगी है यहां पे पूर्ण विराम लगाना है आपको न्यूक्लिक एसिड बनाने के न्यूक्लिकाता है जो डी एन ए और आर एन ए बनाते हैं ठीक है ये आपके तीसरे प्रश्न का सही सही उत्तर हो गया आप देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है फोर्थ क्वेश्चन पूछा है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए तो बच्चों आपको क्या करना है आपको इसमें जो आपकी ये वर्कशीट दी गई है ना इसमें से ये नाइट्रोजन चक्र बनाना है ठीक है आप अपनी वर्कशीट में से बना लेना नाइट्रोजन चक्र ठीक है या फिर मैं आप देखती हूँ कोई क्लियर पिक्चर मिलती है तो दिखाती हूँ आपको बच्चों आपको यही नाइट्रोजन चक्र बनाना है ठीक है ये जो आपकी वर्कशीट में दिया गया है इसको बना लेना ठीक है गूगल पे देख लेना गूगल पे मिल जाएगा आपको साफ सी पिक्चर आप बना लेना ओके चलिए बच्चों अब आप वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं करा है और आपको पता है ना अगर नए आए हैं तो चैनल पे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपके ऊपर ही है जिम्मेदारी हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाने की चैनल को बढ़िया चलवाने की तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है और बच्चों जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपका कमेंट पढ़ती हूँ तो इसलिए एक अपना कमेंट भी लिख के जाएंगे ठीक है अगर आपको कुछ पूछना है कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं थैंक यू स्टूडेंट्स फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर